हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वाति आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो दक्षिणी संगीत पद्धति के बारे में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जैसे कि आपका जावली हम लोग पढ़ा, तिलाना पढ़ा, तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है वो है पदम। पदम क्या होती है, पदम में क्या ऐसी विशेषता होती है जिससे हम पहचानेंगे कि ये पदम है। तो टॉपिक पे चलते हैं। पदम यह कीर्तनों की अपेक्षा विलंबित काल में गाई जाने वाली एक कृति है। पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था कीर्तन, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें पदम। या कीर्तनों की अपेक्षा विलंबित काल में गाई जाने वाली एक कृति है। इसमें पल्लवी, अनुपल्लवी तथा अनेक चरण होते हैं। पदम श्रृंगार रस प्रधान होता है। पदम खासकर भरतनाट्यम के लिए बना है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि पदम श्रृंगार रस का होता है और ये भरतनाट्यम के लिए बना है। इसमें तोड़ी, भैरवी, मुखारी, शहाना, काम्भोजी जैसे पद गाए जाते हैं। इसके लिए विलंबित लय में चलने वाली सात मात्रा की त्रिपुट तथा चंपू ताल की विशेष उपयुक्त मानी जाती है। साहित्य बहुत ही सरल, इसका साहित्य कैसा होता है, साहित्य बहुत ही सरल तथा ग्राम्य शब्दों से भरा हुआ होता है। पद संस्कृत, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं में होते हैं। इसमें कभी कभी चित्ता स्वर भी जोड़ दिए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था पदम, कि पदम क्या होते हैं, पदम को हम कौन कौन सी किस्म राग में हम लोग मतलब गाए जाते हैं, किस कहाँ पे यूज होता है, श्रृंगार रस के उसमें प्रधानता होती है, भरतनाट्यम में करते हैं। तो ये था आज हम लोग का टॉपिक था पदम। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस करने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये आप दूसरों को भी वीडियो जो ये है आप शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं पड़ रहा है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो लोग इससे अपना लाभ उठा सके। थैंक यू दोस्तों, एंड बाय बाय।